सब मानते हैं खेती हमेशा घाटे का सौदा होती है, और जो मुनाफा कमा जाए तो लोग या तो उसे किस्मत कनेक्शन मानते हैं या फिर उसकी मेहनत की दाद देते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने आया हूँ कर्नाटका के अर्धनाटका गांव के किसान के बारे में, जो कि किसान कम कोई सुपर हीरो ज़्यादा लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी इंडियननेस और मैं हूं आपके साथ शिव शुक्ला। इसकी वजह है किसान की मेहनत, लगन और हुनर। महालिंगा नायक नाम के इस किसान की कहानी इतनी दिलचस्प है कि आपको खुद ब खुद सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई खेती घाटे का सौदा होती है या उससे मुनाफा कमाया जा सकता है। लगभग 70 साल के महालिंगा नायक ने अपने वहाँ वो कर दिखाया है जो कि अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। आज कर्नाटका के रहने वाले महालिंगा नायक की 2 एकड़ की जमीन पर सुपाड़ी से लेकर केला, काली मिर्च और ना जाने कितने किस्म के पौधे दिखाई देते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस जमीन पर महालिंगा नायक आज सोने उगलने वाले पेड़ पौधे लगा रहे हैं, वो जमीन महालिंगा नायक को उनके वंशजों से नहीं मिली है। दरअसल एक समय था ये पूरी जमीन बंजर हुआ करती थी, लेकिन साल 1978 में जमीन उन्हें सरकार की तरफ से उनके नाम कर दी गई। दिक्कतों का दौर यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि इस पहाड़ी इलाके में सबसे बड़ी कठिनाई यहाँ की जमीन को बराबर करना था, जिसके बाद महालिंगा नायक ने इस नामुमकिन से काम को करने की शुरुआत की। और हर रोज महालिंगा नायक ने अपने यहाँ खेतों के पास पत्थरों की 6 दीवार तैयार की, जिससे उन्हें यहाँ की पहाड़ियों को बराबर करने में तकलीफ ना हो। लेकिन दिक्कतें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जमीन को सपाट करने के बाद महालिंगा को पानी की जरूरत पड़ने लगी, और पहाड़ी इलाके में पानी ढूंढना यानी कि किसी पहाड़ से कम नहीं था। जिसके बाद महालिंगा ने पहाड़ खोदकर पानी ढूंढने का इरादा बनाया और रोज पहाड़ की खुदाई शुरू कर दी। इस दौरान महालिंगा खुद बताते हैं कि पानी ना मिलने पर निराशा होती थी, लेकिन दिमाग में यही रहता था कि यहाँ नहीं तो कहीं और पानी जरूर मिल जाएगा। वो कहते हैं ना, मदर नेचर टेस्ट जरूर लेती है, लेकिन अगर आप हर एक टेस्ट देते रहें तो आपको इनाम भी देती है। इस दौरान महालिंगा ने लगभग 8 सालों तक उस पहाड़ पर 4 सुरंगें खोदी। हालांकि उन्हें पानी नसीब नहीं हुआ, लेकिन 5वीं सुरंग पर महालिंगा को 75 मीटर खोदने पर पानी मिला, और यहाँ से लिखी महालिंगा ने अपने सुपर हीरो बनने की कहानी, क्योंकि इतनी मेहनत तो कोई आम आदमी कर ही नहीं सकता। जिसके बाद महालिंगा ने पानी को स्टोर करने के लिए जमीन पर टैंक बनाया, धीरे धीरे अपने पूरे खेत में सीवर से पाइपलाइन बिछाई, और आज वहाँ सुपाड़ी, केले, काली मिर्च के पेड़ पौधे सोना उगल रहे हैं। इसके अलावा महालिंगा मधुमक्खी पालन भी करते हैं। तो कैसी लगी आपको महालिंगा के जज्बे की ये कहानी, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। बने रहें इसी तरह हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।